मंदिर के अध्यक्ष, अन्य बंधुगण, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे, चार बातें प्रभुपाद जी ने कही हैं। पहली बात कही है, मेरी पुस्तकें जो हैं वो आधार हैं, माई बुक्स आर द बेसिस। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। तीसरी बात कही, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। तो ये शुद्धि कैसे आएगी? और याद रखो सारे, प्रभुपाद कृपा से हम सबको शुद्ध होने का मौका मिला है। हम सब हैं शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। और अभी हमें, जब तक हमारा जीवन है, ये भी हम सब जानते हैं, हमेशा के लिए इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। प्रभुपाद जैसे महान संत वैष्णव वो भी चले गए, सबको जाना है। तो जाने से पहले हमने क्या करना है? अपनी शुद्धिकरण करना है। वो क्यों करना है? इसलिए करना कि हमने भगवान को मिलना है। हम सब कृष्ण के हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ममहि मनसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मना शष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं, और सनातन, सनातन का मतलब जिसका कोई नाश नहीं है, वो जीव आत्मा है। लेकिन अभी हम सब क्या कर रहे हैं? छह इंद्रिय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। हम यहाँ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और भगवान की ये जो भौतिक प्रकृति है, इस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मलिनता है, अशुद्धि है। जबकि दुनिया में कोई ना रहा है ना रहेगा, फिर भी जो होते हैं वो क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं? शुद्धि नहीं है। इसलिए प्रभुपद कहते थे, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता शुद्ध कैसी होगी? प्रभुपद जी जैसे महान शुद्ध भक्तों की कृपा से। एक शब्द कहे हैं, भजन तो लोग करते हैं, लेकिन अनुकूल भजन, प्रतिकूल हुआ, अनुकूल भजन नहीं होता। अनुकूल भजन कैसे होगा? शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भकत, बोलो बोलो, भजन अनुकूल, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमालती कर मूल, प्रेमालती कर, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध।
एक भजन है अनुकूल, एक है प्रतिकूल। प्रायः हम लोग प्रतिकूल भजन करते हैं, अनुकूल नहीं। अनुकूल भजन तब होगा जब प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा अगर हमको प्राप्त होगी। तो आप इतिहास उठा को देखो, जिस जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है उनको भक्तों की कृपा से हुई है। बिना भगवान की कृपा से, बिना भक्तों की कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती। शुद्ध भक्त चरण, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल मिलेगी तो अनुकूल भजन होगा। नहीं तो आदमी भजन कर रहा है पर बेचारा पहुंचता कहीं रास्ते में ही रह जाता है। तो हमें शुद्धि करनी है अपनी, और इस समय के प्रमाणिक शुद्ध भक्त प्रभुपाद हैं, याद रखो। कैसे है आपके सामने है? 70 साल की अवस्था में 7 डॉलर लेकर 7 समुद्र पार गए ऐसे देश में, किसी विशेष कोई जान पहचान भी नहीं थी, और ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया, और 7 साल में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। तो प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद की प्रेरणा से आज मैं आप सबको यही कहूँगा कि शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि एक दिन मुझे आपको, इनको उनको, स्त्री को पुरुष को, गोरे को काले को, अमीर को गरीब को, एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। परीक्षा जानते हैं आप सब लोग? नहीं, हाथ खड़ा करो जो जानता है। हाँ, संसार से जान, सब जानते हैं, हमने जाना है, किसी को जाने की चिंता नहीं है। ये सब जानते हैं जाना है, पर जाने की चिंता की, क्योंकि अशुद्धि हो गई है। तो ये शुद्धि महान वैष्णव की कृपा से आएगी। तो प्रभुपाद बार बार ये शब्द कहते थे, शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता। देखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम ये शरीर नहीं है। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं नहीं युद्ध करूँगा, मेरे ये मेरे सब परिवार के लोग हैं, योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी। जवान स्त्री जब विधवा हो जाती है उसके अवैध संबंध हो जाते हैं, फिर वर्ण शंकर पैदा होते हैं, और वर्ण शंकर वर्णन आता है लुप्त पिंडों दक्रिय, अपने पूर्वजों को वो पिंड नहीं देते, पूर्वज नरकों में चले जाते हैं। तो हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, और सत्ता की शुद्धि देखो कली पावन अवतार जिनके प्रतिनिधि प्रभुपाद जी हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? शब्द समझ आ रहे हैं? आप कुछ ना सर नहीं ला रहे, ना ऐसे कुछ भी। हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। शुद्धि कैसी होगी? जो शुद्ध है वो दूसरों को भी शुद्ध कर सकता है। लेकिन कलयुग में क्या, जो अशुद्ध हैं उन्हें पखंड रचा रखा है, वो शुद्धि का ढोंग बचा रखा है। जैसे 2 जेल में हैं, एक आसाराम जी और के राम रहीम। आसाराम के अनुयायी 3 करोड़ लाख में नहीं, राम रहीम के 5 करोड़। एक बार हम पुलिस अफसर के घर में थे जम्मू में, तो उनका लड़का बेटा कहता है रघुपति राग भी राजा राम जेल में पड़े हैं आसाराम। तो कलयुग में ये हो रहा है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये जो विग्रह रूप में बैठे हुए हैं आपके मंदिर में, इनके चरणों में श्रद्धा रखो। क्यों? इनका कार्य देखो आप, फले न परचिता, थिंग्स आर जज बाई द रिजल्ट। रिजल्ट देखो, $60 लेकर 70 साल की उम्र वृद्धावस्था में अमेरिका गए। क्यों? इनके गुरु ने कहा था, इनके गुरु भी महान, उन्होंने कहा कि जाओ,
तुम अंग्रेजी भाषी संसार, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो और अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार करो। 1922 में कहा, सारे जीवन भर प्रभुपाद लगे रहे और 1965 में अमेरिका गए, हवाई जहाज के लिए किराया नहीं था, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज का सफ़र बड़ा बेकार है, महीनों तक समुद्र पानी में रहना पड़ता है, एक बीमारी होती है सी सिक, सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी, बीमार हो जाते हैं लोग, बीमार हो गए प्रभुपाद जी भी, दो हार्ट अटैक भी हो गए, सोचने लगे तीसरा होगा तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान ने बड़ी रक्षा की। गए वहाँ पर ना विशेष जान पहचान, कहाँ जाना कहाँ जाना कुछ भी नहीं, ये है भगवान के प्रति भरोसा। इसलिए भगवान के चरणों में जो समर्पण करना है ऐसे शुद्ध भक्तों से सीखो। जैसे भगवान ने कहा ना 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्ये मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तू मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं क्या करूँगा, तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, ये जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद कृपा से राधा कृष्ण की टीटीस का क्या नाम है, राधा रमन बिहारी रमन, आप ही सब पीछे बोलने का प्रयास करना। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 श्री राधा। मन जो है ना, इसके हाथ पांव कुछ नहीं है, मन खुद कुछ नहीं कर सकता, ये मन जो है आंखों की शरण लेगा, आंखें उधर देखती हैं, मन वहाँ पहुँच जाता है आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, मन अभी इनके शरण में है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मन को इन सब से हटा करके प्रभुपद कृपा से, गौर नेता की कृपा से राधा रमन बिहारी की शरण में लाना है। याद रखो अभी परिस्थिति कैसे है, हम मन की शरण में हैं, मन हमको कई नाच नचा रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। मन का काम क्या, मलिन मन का एक मंत्र मैंने शायद आपको नहीं सिखाया था पहले, मंत्र बता दूं इनको, अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मंत्र बता दो, इस मंत्र को आपने याद रखना है, मलिन मन की हर बात बेकार है, जब तक मन मलिन है ना जो कुछ भी कह रहा बेकार है। पर इसकी शुद्धि कैसी होगी,
मलिन मन की शुद्धि कैसे होगी? शरीर की शुद्धि साबुन और पानी से हो जाती है। मन की शुद्धि साबुन पानी से हो सकती है? बोलो, लखनऊ में होती होगी? नहीं, नहीं हो सकती। मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि जो है, मेरे पीछे बोलो, पहले मलिन मन की हर बात बेकार है, फिर उसके बाद हरि नाम ही सार है। हरि नाम ये महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जी नाम जपने से मन की शुद्धि होगी। कई बार लोग कहते हैं जी, एक बार ये हमारा शिष्य एक व्यक्ति को दिल्ली में ले आया एयरपोर्ट पर, हम विदेश से आ रहे थे रिसीव करने के लिए। उसको एक साल पहले कोई बोला होगा हमने पे तो जप करो, जप किया उसने, करने लगा। मेरे को क्या कहता है महाराज, मैंने जप करता हूँ, दर्शन नहीं हुए। इतना सस्ते बना रखे उसने दर्शन, बार बार कहे मुझे क्या कहूँ मैं उसको। तो अंग्रेजी में कहते हैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। तो हरि नाम जो है ये हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करेगा। भाई हरि नाम कैसे शुद्ध करेगा? मंत्र के अगले शब्द मेरे पीछे बोलो, हरि नाम ही सार है। हरि नाम ही सार है। सार हरि नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ये हरि नाम। और ये हरि नाम कैसे शुद्धि करेगा? मेरे पीछे बोलो, महाप्रभु आधार है। सतयुग में भगवान आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में भी आए। कलयुग के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। बहुत से लोग कह देते हैं जी मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। तो उन लोगों को ये याद रखना है, आप नाम नहीं जप सकते, अपनी शुद्धि नहीं कर सकते। भाई बड़ा कष्ट फिर आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, उस समय कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर अभी आप हिम्मत करके इस मलिन मन को शुद्ध करो और भक्ति में आगे बढ़ो, तो हरि नाम प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं, और कोई मदद नहीं कर सकता। मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है भगवान ने। अब कलयुग के लोगों के लिए, जैसे रामायण में भी आता है, आप हम कल अयोध्या गए थे दर्शन करने राम जी के, रामायण में कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल ओनली नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम सुमिरन करके हम भव रूपी सागर से पार हो जाएंगे। तो ये नाम जो है ना, हमारे मलिन मन की शुद्धि करेगा, और ये साधन स्वयं भगवान ने बताया हुआ है। और भागवत जो भगवान वेद व्यास ने रचा, तो उनके पुत्र सुखदेव महाराज ने गायन किया परीक्षित महाराज के सामने, उसमें भी यही कहा गया। क्या? कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, कलो दोषे निधि राजन अस्ति कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कीर्तनाद एव कृष्णस्य,
मुक्त संगा परम ब्रजे मुक्त संगा। हे राजन, एक कलयुग जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये दोषों का खजाना है, दोष ही दोष इसमें अस्ति, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से ये कीर्तन हरे कृष्ण कृष्ण अच्छा ये बताओ कि ये नाम कितनी माला जपनी चाहिए इसकी? यमराज बन के आ गया तो इसने इसको याद सुना का यही सुना था वृंदावन में। तो जब इतना करना है इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद रखो बुरे कर्म चाहे मैंने किए होंगे या आपने या इनने उन्हें या उन्होंने, यमराज के पास खाता खुला है, सबके नोट हो रहे हैं। इतना भजन करें हम अभी, यमराज भी कहें भाई ये तो भगवान का हो गया, ये मेरा कष्ट मेरा ग्रह कभी नहीं है, ये भगवान का हो गया। तो हमने यमराज के पास जो खाता है उसको बंद करवाना है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, वो नाम सिमरन से होगा। और आज बस इस बात पर ही मेरा बल है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, शुद्धि, क्योंकि परीक्षा आ रही है, निकट आ रही है परीक्षा। वैसे एक दो घटनाएं अफ्रीका की सुनाता हूं मैं आपको। अफ्रीका में मैं रहा, प्रभुपाद जी ने भेजा था मेरे को, और वहां पर प्रभुपाद की कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक व्यक्ति, उसके घर में कुछ अतिथि आए थे नैरोबी केनिया में, लंदन से गेस्ट आए थे। तो अभी वो घर का जो बड़ा था उनको विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया था। उन्होंने अतिथियों की विदाई की और अपनी विदाई भी साथ में होगी, वो भी साथ में चला गया। नहीं, वहीं एयरपोर्ट पर उसको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन का अंत आ जाए। और जितना भी समय हमारे पास थोड़ा है या ज्यादा है, ये समय केवल एक ही काम के लिए हमको लगाना चाहिए, नाम जपने के लिए, अपनी शुद्धि करने के लिए। देखो मलिन मन हमको भटकाता है, मन शुद्ध नहीं है ना, लेकिन हमें बुद्धि से काम लेना है। भाई मलिन मन की हर बात बेकार है। वो जो परीक्षा का समय आएगा जिसमें हमारे माँ बाप बैठे, चाचे ताऊ बैठे, कई रिश्तेदार बैठे, हमें जब बैठने का समय आएगा उस समय हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। उस समय मदद केवल ये राधा रमन बिहारी करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सारे बोलो
जय राधा रमन हरि वो जय जय राधा रमन हरि वो जय जय राधा रमन हरि वो जय जय राधा रमन हरि वो हरि बोल 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 जय राधा रमन हरि बो जय जय राधा रमन हरि बो हरि बोल 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 जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बा हरि बो हरि बा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि श्री राधा रमन बिहारी भगवान की। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बस याद रखना है, इससे पहले मेरी परीक्षा का समय आ जाए। और देखो परीक्षा का समय, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, जो अतिथियों को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया, अपनी विदाई भी हो गई साथ में, कई घटनाएं हैं। आदमी एक दूसरी घटना अफ्रीका में घटी, एक हमारा गुरु भाई रामानुज दास, वो पुस्तकों का वितरण करता था, हम प्रभुपद कृपा से मेंबर बनाते थे, ये 74 की बात बता रहा हूँ मैं, 74 75।
तो 1974 तो उसको एक व्यक्ति मिला गुजराती भाई रावजी गनत्रा। उसने उसको रोका, उसने देखा गोरा है, रुक गया। कहते ये पुस्तक लो। क्या पुस्तक है ये? कहते ये भगवान के बारे में है। कहते मैं भगवान में नहीं मानता। गनत्रा कहता है, अमीर आदमी था बड़ा, तो भक्त कहता है, रामानुज कहता है तुम भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या हर्ज है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पुस्तक ले ली और पढ़ी, वो कृष्ण बुक थी। पढ़ने के बाद उसका जीवन बदल गया। फिर कुछ दिनों के बाद रामानुज को मिला, कहता है रामानुज भाई उस दिन तूने मुझे वो पुस्तक दी, मैं तो नास्तिक था, मैंने तो मना कर दिया, तूने दी, मैंने पढ़ी, मेरा तो जीवन बदल गया। और पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने अभी ये निश्चय किया है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आ जाऊंगा और भक्ति करूंगा, ज्वाइन कर लूँगा। रामानुज कहता 6 महीने के बाद क्या हूँ, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी लड़की इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसका विवाह करना है और थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। तो ये वही व्यक्ति जिसकी बात पहले थोड़ी आधी रह गई थी, पुरानी बात है बड़ी, यही इसके घर में गेस्ट आए थे लंदन से, उनको विदा करने गया, जो 6 महीने की प्लानिंग कर रहा था, ये पता नहीं कि 3-4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? ये सबके लिए आ रहे हैं। इनकी तैयारी क्या है? श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा। मृत्यु की तैयारी, भगवान की शरण। एक हम कहते हैं, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, बोलो भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो शुद्धि, बस प्रभुपाद कृपा से, गौरनीता की कृपा से राधा रमन बिहारी की शरण में आओ, यही काम आएंगे हमारे, और कोई काम आने वाला नहीं है। एक बार एक सेठ थे बहुत बड़े, ये कथा है भक्तमाल में। सेठ जो थे उन्होंने सुना, भाई भागवत सुनने से, भागवत सप्ताह सुनने से आदमी का मंगल होता है, कल्याण होता है और भगवत प्राप्ति होती है। उन्हें आयोजन किया, भागवत रखा, कथा सुनी सारी, वैसे के वैसे पर उन सेठ जी में कोई अंतर नहीं आया। सेठ जी का जो गांव था पास में, जंगल में एक संत रहते थे, उनके पास चले गए कि महाराज मैंने सुन रखा था कि भागवत श्रवण से जीव का कल्याण होता है, मैंने भागवत सप्ताह करवाया, सुना कोई मेरे परिवर्तन नहीं, वैसा ही हूँ जैसा पहले था।
बोला कल आना तुम, जिसने जिससे भागवत सुना था उसको लेकर, कथावाचक भागवत का और शेर दोनों आए महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने दोनों को अलग अलग रस्से से बांध दिया। अभी वो जो कथाकार था उसको खोला, बोला भाई इसके रस्से खोल, कितने बंधा हूँ इसके रस्से कैसे खोलूँ। सेठ को कहा कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, जो खुद बंधन में है दूसरे के बंधन क्या खोलेगा। प्रभुपाद एक ऐसे संत थे जो बंधन मुक्त थे। आपने तो सुना उनके बारे में, उनकी कृपा से मैं साथ में रहा, उन्होंने साथ में रखा। 24 घंटे उनके साथ में रहना, बड़े नज़दीक से उनको देखा, ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो इनकी कृपा से आप लोग भक्ति में आगे बढ़ो और बंधन मुक्त हो जाओ, क्योंकि अगर ये बंधन में हम रहे तो 84 का चक्कर प्रतीक्षा कर रहा है, आवागमन प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ा दुखदाई है। इसलिए भगवान ने भी कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम दर्शनम। और एक हिंदी का दोहा संत कबीर ने कहा है बड़ा सुंदर, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, भला चाहिए, तो दो बातों को नहीं भूलना। वो कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को सदा याद रखना। मौत और भगवान को अगर हम याद रखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन अब दुनिया में खोए हुए, मृत्यु निकट आ रही है। आपके यहाँ लखनऊ में उर्दू भी लोग बोलते हैं, पहले ही नवाबों का शहर है। तो नवाबों के शहर में जो है अपना उर्दू भी बोली जाती है। उर्दू में एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र समाप्त हो जाती है। लेकिन हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे। उसके लिए तैयारी भगवान राधा रमन की शरण, बस और कोई तैयारी नहीं। याद रखो आखिरी समय अगर आ गया, अगर आपकी सुंदर पत्नी है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकती। सुंदर पति है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लड़का कुछ नहीं कर सकता, लड़की, माँ बाप, कोई कुछ नहीं। करने वाले राधा रमन बिहारी, करने वाले भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहा है, क्या कहा है, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, बस देखो प्रयास करना है। हमारा यहाँ कोई काम नहीं, जो कुछ भी हम कृष्ण भजन के अलावा जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, समय का नाश, मिलना कुछ नहीं। प्रभु उसी काम में लगे जिससे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेंगे यमदूत और कुछ नहीं मिलने वाला। और यमदूत
संतों ने प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शन ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। संसार से कुछ नहीं मिलना, मिलेगा तो केवल राधा रमन बिहारी के चरण में, ठाकुर जी के चरण में। इसलिए संदेश प्रभुपाद जी का यही है, सब भगवान की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दो। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, हे दिनों के नाथ, हे दीना बंधु भगवान श्री कृष्ण, मेरे जीवन की डोरी आपके, अभी जीवन की डोरी हमने इस मन के ऊपर सौंप रखी है, ये मन बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, बहुत, तो भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। और अगर सौंपने में समय लग सकता है लेकिन प्रयास करना है, और कुछ भी हम जो कर रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा, यमदूत मिलेंगे और कुछ नहीं। प्रयास करना है दीना बंधु श्री कृष्ण के चरणों अपने जीवन की डोरी सौंपने का। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, एता एव कृष्ण वेद पुराण करेला। बड़े समय से हम भगवान को भूल गए और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए भगवान ने हमारे मार्गदर्शन के लिए वेद पुराणों की रचना की। वेद पुराण, भगवान वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने बताया है क्या करना है, क्या करने आया यहाँ कर क्या रहा है, जपना था नाम हरि का पाप कर रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि नाम सा, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, प्रभुपद कृपा से सार ये है हरि नाम भगवान का, ये नाम जपो, ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला है लखनऊ में, एक बार यहाँ गया वापस नहीं आता, कहाँ ले जाता उसको, गोमती में कहाँ, भैंसापुर, भैंसाकुंड, एक इधर है भैंसाकुंड किनारे, उधर जब एक बार गया आदमी वापस आता है फिर वहीं रहता है। ध्यान रखो इन बातों का, हमें भैंसाकुंड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए राधा रमन बिहारी कृपा करें, हमें हमारी रक्षा करें, बस उनके चरणों की शरण हमने लेनी है, और हमारे मार्गदर्शन के लिए भागवत महापुराण रचा है भगवान वेद व्यास ने, ताकि हम पुनः देखो भगवान चाहते हैं हम उनको मिलें, लेकिन हम इतने दुनिया में खो गए हैं, इतनी मोह माया में खो गए हैं कि हम नहीं भगवान की शरण में आना चाहते हैं। लेकिन प्रयास करना है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, प्रयास,
कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। दुनिया से ना किसी को कुछ मिला ना मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, मेरे पीछे सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बस इस मंत्र को नहीं भूलना, जब ये जपना शुरू करो इसके पहले दो मंत्र और बोल लेने, ठीक है। क्या नाम है आपका? रकुल। आपने मुंह खोल रखा है। कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ आएगा? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, दो मंत्र पहले मेरे पीछे बोलो। महामंत्र जपने से पहले एक मंत्र और बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र जरूर बोल लो। ये कलयुग में प्रकट हुए हैं हम लोगों के उद्धार के लिए, बड़े दयालु हैं ये। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी का अवतार। इससे पहले वाला मंत्र मेरे पीछे बोलो। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल लो। इनकी कृपा से ही हम कुछ आपके समक्ष बोल रहे हैं और इनकी कृपा से आप सुन रहे हैं। संतों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा बड़ी आवश्यक है। तो जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक बांस मंडी चुराहा, बांस मंडी चुराहा में एक शिष्य थे हमारे, अभी भी हैं वो, उस हमारे साथ बम्बई गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक हमारे नाना का घर है, उसको हम बेच रहे हैं, कोई 10 लाख में बिक जाएगा। कैसे कृष्ण भावना यहाँ से शुरू हुई? तो हमारी जो माता हैं अपना हिस्सा वो उधमपुर मंदिर को दे देंगे, तो 3 लाख उनके हिस्से में आएगा, बाकी दूसरे भाइयों के हिस्से में 3 लाख उधर। मैंने कहा भाई 3 लाख क्या देगा, तो उसको मंदिर ही बना दे। ये नहीं हो सकता। उसने एड़ी चोटी का झूठ लगाया, वो बिकाई नहीं कर। फिर उसको मजबूरन ट्रस्ट बनाना पड़ा और ट्रस्ट बन गया, पड़ापड़ मूर्तियाँ भी आ गई और प्रचार शुरू हो गया। ऐसे शुरुआत लखनऊ में प्रभुपाद कृपा से हुई थी। भगवान गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण पधारे थे, मंदिर आज भी विद्यमान है। कौन तुम नहीं देख रहे हो? नहीं है? और कौन लोग हैं? इसका नहीं छोड़ दिया अभी? कौन देख रहा है? अच्छा वो देख रहे हैं, पहले बढ़िया देखा उन्होंने, अभी भी बढ़िया ही देख रहे होंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई। चलो अच्छा, बड़ी खुशी है मुझे, आपका मैं नाम भूल जाता हूँ, श्री श्याम, अपर में मुश्किल है थोड़ा, श्री श्यामदास जी जो हैं अच्छे व्यक्ति, देखो नौकरी छोड़ के आ गए, पत्नी बच्चों के साथ भक्ति में लग गए। देखो
एक बार गुरु महाराज के पास मैं एक व्यक्ति को ले आया, वो अफ्रीका का था, उसका घर हम ले रहे थे मंदिर के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा, भाई एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा ना। कहता हाँ स्वामी जी। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। अपरमेश श्यामदास जी ने भगवान के लिए छोड़ दिया, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, ऐसी भावना का आप सब तालियों में जाकर स्वागत करो। एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा नहीं, तूने बहुत तालियां बजाई, तुम भी छोड़ के आ जा। नहीं अच्छा जल्दी आ रहा। बाकी सभी लोग आओ, सब अपना इतना यहाँ इकट्ठे हो जाओ कि अपन में श्यामदास जी को और कमरे बनाने अपने रहने के लिए। यूपी देखो, राम जन्मभूमि बन गई आपके पास में। यूपी बहुत अच्छी जगह है, कृष्ण भगवान भी यूपी में, राम भगवान भी यूपी में, तीर्थ कितने ही यूपी में, उत्तराखंड भी पहले यूपी में ही था। तो आप सब भजन भक्ति करो, याद रखो दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। आप में से किसी को और कोई प्रश्न हो जो मैंने कहा है आपके ध्यान में ना आया हो, कोई प्रश्न एकाध किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न नहीं है। कीर्तन का रस लो, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। ठीक है, अभी क्या प्रोग्राम है?